हाय, मेरा नाम बिंटू है और आज मैं आपको सेकंड लेक्चर पढ़ाऊंगा HTML का, हैपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। मैं मान के चलता हूं कि आपने मेरा फर्स्ट लेक्चर HTML का देख लिया है। अगर आपने ये नहीं देखा तो प्लीज इस लिंक पे आप क्लिक करिएगा और इस वीडियो को देख लीजिएगा, तो आपको ये वाला लेक्चर समझने में आसानी होगी। आपको जो HTML टैग्स हैं उसको सिखाने के लिए मैंने कुछ प्रोग्राम्स पहले से ही बना रखे हैं, तो मैं फर्स्ट शुरुआत करता हूँ फर्स्ट प्रोग्राम से। यह है मेरा मार्जिन सिखाने वाला प्रोग्राम। ये देखिए, इसमें देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, ये हम पहले समझ चुके हैं, बैकग्राउंड कलर वगैरह। ये है लेफ्ट मार्जिन। देखिए ये कह रहा है कि जो भी टेक्स्ट आएगा बॉडी में वो ब्राउजर की जो लेफ्ट मार्जिन है, जो लेफ्ट बाउंड्री है, वहां से 40 पिक्सल्स की जगह छोड़ के फिर टेक्स्ट आए। ऊपर से जो ब्राउजर की जो टॉप एज है वहां से 80 पिक्सल्स के गैप के बाद ये कंटेंट आए। कंटेंट ये सिंपल से कुछ पैराग्राफ्स हैं। हेडिंग वन में तो लिखा है वेलकम टू आर स्टोर, ये एक पैराग्राफ है। ब्रेक ऑफ लाइन से नीचे आ जाएगा, फिर ये ब्रेक ऑफ लाइन फिर नीचे आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब सवाल ये कि सर ये जो आपने 80 पिक्सल्स लिखा है ये एक यूनिट है, PX यानी पिक्सल, क्या इसके अलावा भी कुछ और यूनिट्स हैं? हाँ, काफी यूनिट्स हैं। पिक्सल्स के अलावा जो यूनिट इस्तेमाल होते हैं वो है सेंटीमीटर्स, मिलीमीटर्स, इंचेस। अब यहां पर ध्यान रहे कि जो 1 इंच होता है वो तकरीबन 96 पिक्सल्स के बराबर होता है और 2.54 सेंटीमीटर के बराबर होता है। एक और है यूनिट PT, पॉइंट्स, और उसमें ये ध्यान रखिएगा एक पॉइंट होता है 1/72, 1 इंच का, 1 इंच का बहत्तरवा हिस्सा। पिकास भी है जिसमें एक पिका 12 पॉइंट्स के बराबर होता है। अब ये जो हम साइज बता रहे हैं ये एब्सोल्यूट स्पेसिंग कहलाती है। पहले इसको रन करके देख लेते हैं, आपको आइडिया हो जाएगा मैं क्या कह रहा हूँ। गूगल क्रोम पे गया, इसका आउटपुट देख लेते हैं। ये देखिए, अब आप समझ जाएंगे कि ये देखिए ये जो गैप आ रहा है ना, ये जो गैप आ रहा है टॉप मार्जिन से, ब्राउजर की जो टॉप एज है वहां से 80 पिक्सल्स नीचे आ रहा है, और जो लेफ्ट से आ रहा है ये यहाँ से ये आ रहा है 40 पिक्सल्स के गैप पे आ रहा है। अब मैं ये कहना चाहता हूँ वापस से कि ये जो गैप आपने जो 40 पिक्सल लिखा है ये एब्सोल्यूट है। एब्सोल्यूट यानी फिक्स, कोई सा भी ब्राउजर हो, कितनी भी साइज का हो, आपको ये यहाँ से ये 80 पिक्सल का गैप पे ही कंटेंट डिस्प्ले करेगा और यहाँ से लेफ्ट एज से 40 पिक्सल के गैप पे देगा। एक और यूनिट है जो रिलेटिव यूनिट कहलाती है, वो EM, एम एम कहते हैं, जो करंट ब्राउजर में फॉन्ट से चल रहा है उसके रिलेशन में ये यूनिट लेता है। जैसे आपने लिखा 2M, तो इसका मतलब जो करंट फॉन्ट साइज चल रहा है उसका 2 गुना स्पेस दो, 1M जो करंट फॉन्ट है वो करंट फॉन्ट के बराबर माना जाएगा। 2M यानी जो करंट फॉन्ट साइज का है उसका दुगना, 10M लिखा तो यानी जो करंट फॉन्ट साइज चल रहा है उसका 10 टाइम्स की स्पेसिंग आप चाहते हो। इसका बेनिफिट ये होगा कि जो विजिटर आपकी साइट खोल के बैठा है उसका जो फॉन्ट साइज होगा उसके अनुसार ही डिस्प्ले की स्पेसिंग सेट होगी। ये ज्यादा बेटर माना जाता है एम वाला एब्सोल्यूट के मुकाबले। तो ये लेफ्ट और टॉप मार्जिन वाला कंसेप्ट सिखाने के लिए बनाया गया था ये प्रोग्राम आपको। लेकिन मैं आपको बता दूं ये इतना पॉपुलर नहीं है जितना ये। एक्चुअली क्या है कि जो लेफ्ट एंड टॉप मार्जिन है ये डेप्रिकेट हो चुका है HTML में, HTML5 में अब ये इस्तेमाल नहीं होता, उसी जगह पे स्टाइल चलता है, सीसर स्टाइल, कैस्केडिंग स्टाइल शीट को ज्यादा तवज्जो दी जाती है, वो ज्यादा सक्सेसफुल है। HTML5 में आपका लेफ्ट मार्जिन टॉप मार्जिन नहीं चलेगा। जो प्रोग्राम हमने पीछे वाला जो किया उसका बेहतर वर्जन है। इसमें देखिए मैं स्टाइल यूज कर रहा हूँ, मार्जिन डैश टॉप, यानी ऊपर से 80 पिक्सल के गैप के बाद कंटेंट आना चाहिए, राइट से 80 पिक्सल के गैप पे आना चाहिए, बॉटम ब्राउजर की जो बॉटम जो एज है वहां से 10 पिक्सल पे आके कंटेंट रुक जाना चाहिए, लेफ्ट बाउंड्री से 80 पिक्सल गैप पे आना चाहिए। अब देखो मैं इसको रन कर रहा हूँ, आपका आइडिया हो जाएगा। ये देखिए राइट से, देखो राइट से कितना गैप है आपका, 80 पिक्सल, टॉप से भी 80 पिक्सल है, राइट से 80 है, बॉटम से 10 पिक्सल है, लेकिन ये स्क्रीन वैसे अभी बड़ा है, और लेफ्ट से 80 पिक्सल है। तो ये जो है ना स्टाइल के जरिए, जो ये मार्जिन टॉप, मार्जिन लेफ्ट, मार्जिन बॉटम के जरिए जो आप दे रहे हैं स्पेसिंग, ये ज्यादा बेहतर मानी जाती है लेफ्ट मार्जिन टॉप मार्जिन के मुकाबले, और वो वैसे भी डेप्रिकेट हो चुका है। ठीक है जी, अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट वाले पे, हेडिंग्स। तो पहले इसको रन करके देख लेते हैं, फिर मैं आपको कंटेंट बताऊं। देखिए इसको आउटपुट देते हैं, ये दिखा रहा है आपके हेडिंग फॉन्ट 1 2 में कंटेंट दिखा रहा है। देखिए इसको एक बार समझ लेते हैं अपन। ये देखिए अभी जो हेडिंग 1 है ये हेडिंग 1 वाला जो फॉन्ट है उसमें आया, तो उसका ऑब्वियसली साइज भी बड़ा है, इसका साइज बड़ा है। हेडिंग 2 का जो है वो साइज छोटा है, और हेडिंग 6 तक बाय डिफॉल्ट यूज होते हैं। और ये आपको इससे आइडिया हो जाएगा कि हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3 इनका जो डिफॉल्ट जो साइज है वो क्या है। इसका अगला प्रोग्राम देखते हैं अपन। इसमें देखिए ये एक पैराग्राफ दिखा रहा है, ये पैराग्राफ ये आया स्लैश पी का मतलब पैराग्राफ खत्म। तो ऑब्वियसली
ये जो पैराग्राफ दूसरा शुरू हुआ ये नेक्स्ट लाइन से शुरू होगा। अगर आप बी आर लिखते हैं ब्रेक ऑफ लाइन टैग तो भी कंटेंट नीचे आएगा। पी से पैराग्राफ होगा यानी ये पूरा का पूरा एक ही पैराग्राफ माना जाएगा। जो भी आप इधर स्टाइल वगैरह अप्लाई करेंगे वो पूरे इस पैराग्राफ पे अप्लाई होगा। ये पी है दूसरा पैराग्राफ शुरू हुआ यहाँ से, यानी ये जो कंटेंट है ये वाला यहाँ से ये नेक्स्ट लाइन से शुरू होगा। स्लैश पी का मतलब ये पैराग्राफ खत्म हो गया। ये तीसरा पैराग्राफ शुरू हुआ तो ऑब्वियसली ये जो वेब डेवलपर्स करके लाइन शुरू हुई ये नीचे आएगी, इसके जहाँ ये खत्म हुआ उसके अगली लाइन पे आएगा। ठीक है जी, तो तीन पैराग्राफ दिखा रहा है ये, है ना। और मैटर जो आएगा देखो, बैकग्राउंड कलर तो ब्लू है और जो टेक्स्ट आएगा वो येलो कलर में आएगा। इसको रन करके देखते हैं मन एक बार। ये देखिए आपका एक पैराग्राफ खत्म हुआ, ये दूसरा ईच वाला यहाँ से दूसरा पैराग्राफ शुरू हुआ, तीसरा शुरू हो गया। इसमें आपको बस ये है कि आपको ब्रेक नहीं लगाना, ब्रेक ऑटोमेटिक आ जाता है। जहाँ एक पैराग्राफ खत्म होगा दूसरा पैराग्राफ शुरू होता है, वो ऑटोमेटिक एक लाइन ब्रेक आ जाता है। अगला जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ वो है अलाइनमेंट सिखाने के लिए। ये देखिए पहले इसको समझ लेते हैं। ये कह रहा है कि भाई तीन पैराग्राफ आएंगे। पहला पैराग्राफ आएगा सेंटर पे, ये पूरा टेक्स्ट सेंटर पे आएगा ब्राउजर के स्क्रीन पे। दूसरा जो आएगा वो राइट जस्टिफाइड आएगा, और ये जो तीसरा पैराग्राफ आएगा ये लेफ्ट अलाइन आएगा। बाय डिफॉल्ट लेफ्ट अलाइन ही होता है पैराग्राफ। इसको एक बार रन करके देख लेते हैं। ये देखिए पहला आया है आपका टेक्स्ट सेंटर पे, आप देख रहे हैं ये बिल्कुल सेंटर पे आया है। फिर यह है राइट अलाइन, देखो राइट पे बिल्कुल सीध में है, कंटेंट लेफ्ट में जिगजैग हो रहा है। वैसे ये देखो लेफ्ट में पूरा अलाइन है और ये राइट वाला बहुत जिगजैग हो गया है, देख रहे हैं आप। तो ये था आपके तीन पैराग्राफ दिखाने का, सेंटर राइट एंड लेफ्ट। आपको अगला प्रोग्राम समझा रहा हूँ। जैसे ही आपका देखो ये आपने लाइन लिखी है, आपने लाइन ब्रेक करके यहाँ पे कुछ लिखा है, तो HTML आपके लाइन ब्रेक को नहीं मानता। अगर आपने टैब लगाए हैं टैब, तो टैब को भी नहीं मानता। आपने अगर एक वर्ड और दूसरे वर्ड के बीच में पांच स्पेसेस डालनी तो वो बाय डिफॉल्ट एक ही स्पेस कर देगा। तो कई बार होता है कि आप चाहते हो कि भाई जैसा मैंने लिखा है, जैसे ये कंटेंट नेक्स्ट लाइन पे है तो आउटपुट में भी ये नेक्स्ट लाइन पे है, इधर मैंने टैब की दबाई है तो आउटपुट में भी टैब्स हैं। अगर एक वर्ड और दूसरे वर्ड के बीच में मैंने चार स्पेसेस दी तो चार स्पेसेस हैं। तो उस हिस्से को जैसे का आप चाहते हो कि जैसा मैंने लिखा है वैसा का वैसा आए, उसको आप प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट एलिमेंट के अंदर डाल दो। ये एक टैग है प्री टैग, इसके बीच में जो भी कंटेंट होगा जैसा लिखा है आपने एडिटर में वैसा का वैसा आउटपुट आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये अगर आप ये ब्रेक हटा भी देते हैं फॉर एग्जांपल, तो ये टेक्स्ट ऊपर आएगा। अगर आपने प्री एलिमेंट के बीच में लिखा है और अगर आपने यहाँ पे ब्रेक एंटर की दबा रखा है और ये कंटेंट नेक्स्ट लाइन पे आ रहा है, तो ये नेक्स्ट लाइन पे ही आएगा। यानी वो टैब स्पेसेस सबका कंसिडर करता है प्री एलिमेंट। प्री एलिमेंट को प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट कहते हैं। और जो टेक्स्ट आएगा वो मोनोस्पेस फॉन्ट में आएगा, कोरियर या किसी स्पेसिफिक एक फॉन्ट में आता है। और जैसा आपने कंटेंट लिखा है, जैसी स्पेसिंग आपने डाली है, वैसा का वैसा आउटपुट आएगा। इसको एक बार रन करके देख लेते हैं अपन। ये देखिए ये आपका डिफॉल्ट एक मोनोस्पेस फॉन्ट में आया है। देखिए आपने यहाँ पे लाइन ब्रेक दिया हुआ है, द मार्कअप टेल्स, देखो द मार्कअप नेक्स्ट लाइन पे आया, देख रहे हैं आप, यहाँ पे खत्म हो गया, ये नेक्स्ट लाइन पे ही आया। अगर आप ये प्री नहीं लिखा होता ना और इधर ब्रेक नहीं लिखा होता तो ये कंटेंट यहीं पे आया था, इसके साथ ही आता, बिल्कुल नेक्स्ट लाइन पे नहीं आता। लेकिन प्री लिखा है तो इसका मतलब जैसा इधर लिखा हुआ है एडिटर में वैसा ही आउटपुट आना चाहिए। और इधर देखो एक्सप्लोरर क्रोम इनमें एक टैब की दबा हुआ है, तो इधर भी टैब है, देख रहे हैं आप। अगला है कंटेंट को सेंटर में डिस्प्ले करने के लिए। देखिए बहुत सिंपल है, आपने अगर सेंटर एलिमेंट लगाया और कुछ भी लिखा, जब तक स्लैश सेंटर नहीं आएगा वो सारा का सारा टेक्स्ट ब्राउजर की स्क्रीन पे सेंटर अलाइन होगा। ये नेक्स्ट पैराग्राफ शुरू हो गया, डिफॉल्ट लेफ्ट अलाइन आता है, ये पैराग्राफ खत्म हो गया। तो ये तो मैटर आएगा लेफ्ट अलाइन, और ये जो मैटर आएगा ये सेंटर पे आएगा ब्राउजर स्क्रीन पे। बैकग्राउंड कलर ब्लू होगा और कंटेंट जो आएगा येलो कलर में आएगा। देखें इसको रन करते हैं। पहला वाला सेंटर में और दूसरा पैराग्राफ टैग लगा हुआ यानी लेफ्ट अलाइन। और देख रहे हैं आप फॉन्ट्स, देखिए फॉन्ट फेस जो पुराना जो HTML कमांड था ये HTML 5 में डुप्लीकेट हो गया है, अब ये इस्तेमाल नहीं होता। वैसे फॉन्ट फेस करता क्या था, फॉन्ट की भाई ये फॉन्ट अप्लाई करो, इस कलर में येलो कलर में कंटेंट आना चाहिए और 6 पिक्सल डिफॉल्ट यूनिट पिक्सल माना जाता है, 6 पिक्सल में ये टेक्स्ट आना चाहिए। फिर ये कह रहा है कि जो ये टेक्स्ट आना चाहिए वो आया सेरिफ फॉन्ट में, कलर उसका वाइट हो और साइज जो हर कैरेक्टर की हो वो 7 पिक्सल हो। लेकिन अब ये फॉन्ट फेस तो डुप्लीकेट हो गया, उसके ऊपर चलता है स्टाइल में CSS स्टाइल में फॉन्ट डैश फैमिली। ये कह रहा है कि जो टेक्स्ट आने वाला है इस पैराग्राफ में उसको आप एरियल फॉन्ट में डिस्प्ले करें, कलर येलो डिस्प्ले करें और फॉन्ट साइज 120% यानी जो डिफॉल्ट फॉन्ट साइज चल रहा है उसका 120 गुना यानी 1.2% बड़ा आएगा। ये पैराग्राफ खत्म हो गया, ये दूसरा पैराग्राफ शुरू हो गया। ये कह रहा है कि ये जो पैराग्राफ आया वो कोरियर फॉन्ट में आए, ये जो टेक्स्ट आया वो व्हाइट कलर में आए,
इस पैराग्राफ की जो साइज हो वो जो करंट ब्राउजर साइज चल रही है उसका 140% ज्यादा है। ये 120% है और ये 140%। इसको एक बार रन करके देख लेते हैं। देखिए, देख रहे हैं, ये था एरियल फॉन्ट और डिफॉल्ट जो ब्राउजर के फॉन्ट की साइज चल रही है उसका 120 गुना और ये 140% ज्यादा, और ये है आपका कोरियर फॉन्ट। आपके दिमाग में एक सवाल आएगा कि फॉन्ट कौन कौन से लग सकते हैं, जैसे भी आपने इधर एरियल लगा दिया, इधर कोरियर लगा दिया, तो और कौन कौन से फॉन्ट हो सकते हैं। तो ये कुछ मैंने फॉन्ट्स के नाम लिख दिए हैं, एरियल, कोरियर न्यू, कोरियर तो खैर है ही, जॉर्जिया, इम्पैक्ट, लुसिडा, कंसोल, मॉडलेट, ये कुछ डिफॉल्ट फॉन्ट है, आप कोई सा भी लगाएं। वैसे हर ब्राउजर का एक स्पेसिफिक फॉन्ट होता है, लेकिन ये वो फॉन्ट है जो यूजुअली सारे ब्राउजर्स में कॉमन है। अगर आपको इस लेक्चर में कोई भी दिक्कत आती है तो आप मेरे को मेल कर सकते हैं bmharwani@yahoo.com पे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे नए नए वीडियोस के बारे में आपको आइडिया मिलता रहे, और आप कमेंट्स लिखें।